यहाँ पे देखो हम लोग आए यहाँ पे, बट यहाँ पे देख के मुझे हैरत हो रही है कि ये क्या हो गया है। मतलब कि ये देखो, ये इनके डोर को लॉक लगा हुआ है। हफ्सा भी मौजूद नहीं है, उसकी मामा भी नहीं है और उसके पापा भी नहीं है, मतलब उसके बाबा उसके अब्बू जी भी इधर नहीं है। आई डोंट नो कि वो किधर गए। अभी उनकी खोज लगाते हैं और फिर इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मतलब यहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही उनके घर। वो बच्चा है तो कहते हैं, मैं पूछा कहाँ है, मुझे लगता है कि ये लोग कहीं गए हैं, यानी इनकी कोई ट्रीट रही होगी और वहाँ ये लोग गए हैं। और ये देखो शाम का मंजर, बादल छादल आए हुए हैं। आज बारिश आई थी, मैं घर नहीं थी, वरना मैं यहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाती। और फिर से बादल आ रहे हैं। और सो ये है हमारे विलेज का शाम का मंजर। ये देखिए ऊपर बादल छादल आए हुए हैं। और जब मैं घर नहीं थी, बारिश हो गई थी। और एक चीज़ ये दिखाऊँ, ये देखिए गंदम के बाद ना, गंदम की कटाई के बाद यहाँ पे आग शाग लगे हुए हैं और ये हल लग गए हैं। अब पता नहीं पानी लगेगा या क्या, अब वो दूसरी एक फसल होगी। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, ये आ गई। इधर देखो चुड़ैल, ये इसको हम ढूंढ रहे थे, ये इधर आ गई हमारे घर। यहाँ इनकी चूचों की आफत इसने मचाई हुई है। और फिर इसके मम्मी पापा को ढूंढते हैं कि पता वो भी कहीं इधर। यहाँ खैर जो भी है, तो चलो उस जाने पर चलते हैं और मैं आपको दिखाऊँ अब जो हमारा कल वाला काम था ना, वो कहाँ तक पहुँचे। एक तो ये हमारे यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज के वी आर विलेज है। सो बारिश जो आई थी ना, ये देखो यहाँ पे ये कितना गीला गीला सा हो गया है। और हाय हाय हाय, ये लग रहा होगा आपको गीला गीला। और ये देखो यहाँ पे नुकसान जो हुआ है ना, ये देखो ये बीज जो है ना, ये देखें, ये बीज, ये सारे दाना इसका ख़राब हुआ पड़ा है। अब ये साफ़ होंगे, देन ये सरसों के साग के हैं ना, आपको तो नहीं पता होगा ना ये क्या है। ये सरसों के साग के बीज है और सरसों का साग इसके साथ होता है, फिर ये बड़े होते हैं और फिर इस तरह से बन जाते हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पूरी प्रोसेस के साथ दिखाएंगे कि ये किस तरह से हम इसके अंदर, ज़मीन के अंदर इसको बोते हैं और किस तरह से ये छोटा सा पौधा बने और किस तरह से फिर ये बड़ा होकर बीजदार बन जाता है। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो वाल तुम्हारे नाल ज़रूर शेयर कर सूँ ये खूबसूरत यहाँ व्लॉग। और होंडा ये है कि मेरे को हाली लगी है बुक, मैं देखा कि घर क्या बने। अच्छा खेनन के ना, खेनन के बच्चियाँ को घर की जिम्मेदारी होती है, घर संभलेन ते जेडे मेल होने बच्चे होने वो बाहर संभलेन। मेरे उते डबल जिम्मेदारी है मतलब कि घर भी और बाहर भी है ना। चलो खैर कोई नहीं, ओके जी ठीक है। हम मिलेंगे फिर दोबारा एक और मज़ेदार सी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल में आसानी फरमाए, तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पे लेके आए और हमें भी जो हुकूक़ फ़राइज है हम पे ज़िम्मे, अल्लाह ताला हमें वो उसको भरपूर अच्छे अंदाज से जो है ना अदा करने की तौफीक दे और हमारी लाइफ और लाइफ आफ्टर लाइफ यानी डेथ के बाद की जो हमारी ज़रूरियात हैं, अल्लाह ताला जो है ना हमें उन सबसे नवाजे और जो हमारे गुजर चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। हम मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार से व्लॉग में। और हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा और वो भी मुफ्त में। और साथ में आपने क्या करना है कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। और हाँ, जाते जाते अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और ये ज़रूर बताना है कि वेयर आर यू फ्रॉम। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अब ठीक है, इधर देखो इस चुड़ैल को भी जाते जाते देखते जाओ, ये चुड़ैल कर क्या रही है।